हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और फिर से हम लोग एक बार जुड़े हैं सॉल्यूशन देखने के लिए। आप सबको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक शुरू किए थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन में हम लोग देख क्या क्या लिए थे अभी तक, थोड़ा सा ये हम देख लें। हम लोगों ने किया क्या कि सबसे पहले सॉल्यूशन को समझा कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं, सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन से अधिक उसको हम लोग समझने पे जोर दिए थे। इसके बाद हम लोग मोलालिटी पढ़े, मोलारिटी पढ़े, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे। इतना ये तीन चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखे होंगे कि मोलारिटी का दो क्लास था और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का एक एक क्लास। बचे हुए जो छोटे छोटे टर्म है, दो तीन टर्म, उसको हम लोग आज देख लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सॉल्यूशन में जो हम लोग देख रहे थे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में जो एक छोटा सा टर्म है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज भी एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने का तरीका है। जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है यह बताने का तरीका है मास परसेंटेज। अगर कोई पूछे कि मास परसेंटेज है क्या, तो लोग सिंपल एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि सर ये कंसंट्रेशन बताने का एक तरीका है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट से, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। मास परसेंटेज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट से। क्लियर? ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। अक्सर आप जब दवा वगैरह जो खाते हो उसमें देखोगे, या जो कुछ आप खरीदते हो बाजार से, जो भी कुछ खरीद के लाते हो, तो उसमें देखिएगा खाने वाने वाला चीज, तो उसमें देखिएगा ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, डब्ल्यू बाई वी परसेंट, ये सब चीज आपको दिख जाएगा। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज को हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं। अब क्लियर है कि परसेंटेज यहां पे लिखा हुआ है, परसेंटेज मतलब हम लोग किस में बात करेंगे, इन हंड्रेड। परसेंटेज बोले तो किस में बात करेंगे, हंड्रेड में। आपको पता है पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब कभी फ्रैक्शन लिखा हुआ तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में, और परसेंटेज बोले तो किस में होता है, हंड्रेड। क्लियर? तो सिंपली इसका डिफिनेशन क्या है, हम लोग कहते हैं कि सर सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, पता है आपको, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये दोनों मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितना ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। ध्यान रखेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। क्लियर है? जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज था, 10 ग्राम ग्लूकोज, और उसको हम लोग डिजॉल्व किए थे 90 ग्राम वाटर में। 10 ग्राम ग्लूकोज को किसमें डिजोल्व किए थे, 90 ग्राम वाटर में। तो टोटल कितना होगा, ये सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। टोटल मिला के कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम। अब देख रहे हो आप कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है सर, 100 ग्राम में कितना ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूट कितना ग्राम है, 10 ग्राम। 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 10 ग्राम। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इक्वल टू क्या चीज, 10%। क्या लिख सकते हैं, 10%।
10%। आप ये समझिएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, W/W%। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है टू ग्राम सल्फर, सल्फर का सिंबल एस होता है, सल्फर वाज डिजॉल्व इन 498 ग्राम ऑफ वाटर, 498 ग्राम ऑफ वाटर, रिप्रेजेंट इट इन W/W%। हमको किसमें रिप्रेजेंट करना है, W/W%, या कहेगा कि मास परसेंट बताइए, इसका मास परसेंटेज बताइए। तो आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट कितना ग्राम है, 2 ग्राम, सॉल्यूट कितना ग्राम है, 2 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना ग्राम है, तो 498 ग्राम। सॉल्यूट 2 ग्राम है और सॉल्वेंट कितना है, 498 ग्राम। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में दोनों चीज मिला के होता है ना, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट प्लस बोलोगे सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम प्लस 498 ग्राम ऐड कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500। सॉल्यूशन यही हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर 500 ग्राम सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है, 500 ग्राम, तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है, 2 ग्राम। यूनिटी मेथड के लिए चले जाते हैं, सर 500 ग्राम में कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, तो एक में कितना होगा, तो 2/ क्या हो जाएगा, 500। लेकिन हमको चाहिए क्या, फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए ना, फ्रैक्शन रहता तो एक में कैलकुलेट करते, हमको परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज में किस में कैलकुलेट करना होता है, 100 में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम/500 ग्राम × 100%। सॉल्व कर लेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/5, या फिर कह सकते हैं 0.4 W/W। क्लियर है, बोलिए ये क्या था कि 500 ग्राम में, ध्यान रखोगे सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, 500 ग्राम में कितना ग्राम था, 2 ग्राम। फ्रैक्शन निकालना रहता तो 1 में निकालते, चूंकि हमको परसेंटेज निकालना था इसलिए मैंने 100 में निकाला, तो 100 में निकालेंगे तो 1 में 2/500, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ गया, 0.4 W/W%। दो तीन इंफॉर्मेशन यहां से हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से, यही मेरे को मिला है। पहला चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर मास परसेंटेज के लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहें हम, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। एक चीज ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो सॉल्यूशन को भी किस में लेना होगा, ग्राम में लेना। सॉल्यूट अगर केजी में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना होगा, केजी में। अगर इसको मिलीग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना होगा, मिलीग्राम। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि सर ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, या ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, ये तो कट जाएगा। अगर ये कट गया तो ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा।
याद रखेंगे कि रेशियो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है, फिजिक्स में पॉइजन रेशियो को छोड़ के। ठीक है, तो रेशियो है, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, दोनों का यूनिट सेम होगा तो आराम से कट जाएगा। तो ये कैसा है, इट इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है सर, यूनिटलेस क्वांटिटी। और तीसरा, ये आप देखेंगे कि ऊपर में भी मास है और नीचे में भी क्या है, मास है। पर बहुत पहले हम बात कर चुके हैं कि मास जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर जब आप चेंज करोगे तो मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये जो होगा वो कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, मास परसेंटेज जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। क्लियर है, मास परसेंटेज जब भी निकालना हो तो एक ही जगह आपसे गलती होता है, खास करके एकदम बेसिक सा जो क्वेश्चन करते हैं 11th 12th के बच्चे, जिनका एकदम बेसिक, वो करते क्या है कि यहां पे क्वेश्चन में एक ही जगह आपको फंसाया जाएगा, ये सॉल्यूशन का मास नहीं देगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का देगा। ध्यान रखोगे सॉल्यूट देगा और क्या देगा, सॉल्वेंट। तो आपको दिमाग में रखना है कि सॉल्यूशन का नीचे मास चाहिए और सॉल्यूशन का जो मास होता है सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्लियर है, चलिए ये क्या था, मास परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं W/W परसेंट से, फॉर्मूला इसका होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर। क्लियर, ऐसे याद रखिएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो सर मास परसेंटेज था तो W/W से किए, तो वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो इसको हम लोग V/V% से डिनोट करें। क्लियर, मास परसेंटेज को W/W से, वॉल्यूम परसेंटेज है तो किसके करेंगे, V/V, बाकी सब कुछ सेम है। बस ध्यान रखना कि वहां पे हम लोग मास मेजर कर रहे थे और यहां पे वॉल्यूम मेजर करेंगे। वहां पे जो मास मेजर कर रहे थे यहां पे क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम। यहां पे क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या था, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वहां पे ग्राम में लिए थे और यहां पे किस में लेंगे, वॉल्यूम। देखो बहुत सारी चीजें हैं ना जिसका मास निकालना थोड़ा टफ होता है, इसलिए उनका हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, वाटर और अल्कोहल का। हम कह रहे हैं कि 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वाज डिजॉल्व इन वन नाइन्टी एम एल ऑफ वाटर। कैलकुलेट V/V%, कैलकुलेट V/V%।
10 ml इथाइल अल्कोहल है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसको हम लोग डिजोल्व किए हैं 190 ml वाटर में। क्लियर है? 10 ml जो इथाइल अल्कोहल था उसको डिजोल्व किसमें किए हैं? 190 ml वाटर। देखो 10 ml इथाइल अल्कोहल है जो सॉल्यूट होगा क्योंकि कम है, सॉलिड नहीं बोल रहे हैं सर, सॉल्यूट बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो लिक्विड भी सॉल्यूट के फॉर्म में हो सकता है, हम शुरू क्लास में ही ये चीज बताए थे। तो 10 ml इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट हो गया और 190 ml जो वाटर है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और दोनों को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन अगर यहां पे देखा जाए तो सॉल्यूशन कितना होगा? डायरेक्ट लिख देते हैं 10 ml प्लस 190 ml इक्वल टू 200 ml। बोलिए 10 ml इथाइल अल्कोहल था, 190 ml वाटर था, दोनों को मिलाए तो कितना हो गया? अब देखो आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा कि 200 ml जो है सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट कितना है? 10 ml। 200 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 10 ml। हमको निकालना कितना किसमें है? परसेंटेज है तो 100 में निकालना होगा। क्या लिखेंगे कि सर 200 ml जो है उसमें कितना ml है? 10 ml है। तो 1 में कितना होगा सर? तो 10 ml डिवाइडेड बाय 200 ml। सर परसेंटेज चाहिए, मतलब 100 में हमको निकालना होगा, तो 10 ml बाय 200 ml इंटू, बोलोगे 100%। सोल्व कर लेंगे तो आई थिंक आ जाएगा ये कितना 5% वी बाई वी। आसान सा था, कुछ नहीं था यार, बस मास परसेंटेज में हम लोग मास लेते थे और वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लेंगे? क्लियर? यहां पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वी बाई वी परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। कोई दिक्कत? V बाई V परसेंट, मास परसेंटेज में क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। ये भी यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर जो यूनिट होगा वही यूनिट नीचे भी होगा। अगर ऊपर में ml है तो नीचे में भी क्या होगा? ml। तो हम लोग लिख लेंगे कि इट इज, बोलोगे इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं? सोचिए सर, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऊपर जितना इंक्रीज करेगा वो भी तो इतना ही करेगा। लेकिन नहीं सर, ऊपर किसी और चीज का वॉल्यूम है, नीचे किसी और चीज का वॉल्यूम है, तो दोनों के लिए वॉल्यूम का एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ सिमिलर नहीं होता है, इसीलिए ये क्वांटिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब ये क्वांटिटी कैसा होगा? टेम्परेचर चेंज करोगे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। क्लियर? वॉल्यूम परसेंटेज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? वी बाई वी से। फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। यूनिट लेस होगा मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और साथ ही साथ याद रखना कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ा और इसमें कुछ बात कर लेते हैं।
जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 10% वी बाई वी इथाइल अल्कोहल अल्कोहल इन वाटर, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो है 10% वी बाई वी किसका है, तो इथाइल अल्कोहल को घोला गया है किसमें, वाटर, या फिर ये भी लिख देगा इथाइल अल्कोहल इन वाटर ने लिख के एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं सर, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि पूरा अगर 100 ml अगर हम सॉल्यूशन ले लें, कितना ml ले लें 100 ml, तो उसमें 10 ml क्या होगा इथाइल अल्कोहल C2H5। क्लियर है? 10% कहने का मतलब कि 100 ml में 10 ml होगा और रिमेनिंग जो बचा वो 90 ml क्या होगा बोलोगे, वाटर। कोई दिक्कत? अगर ये 500 ml होगा तो सर 100 ml में अगर 10 ml होगा तो 500 ml में कितना ml होगा, 50 ml होगा। क्लियर है? क्लियर? बस ये समझिएगा 10% वी बाई वी कहने का मतलब कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है, कितना ml सॉल्यूशन है 100 ml, तो 10 ml उसमें सॉल्यूट है और रिमेनिंग 90 ml जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक उसी प्रकार कहीं पे अगर लिखा हुआ है 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है मतलब ये समझेंगे आप कि अगर ये 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन होगा, कितना ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, 20 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट, और रिमेनिंग जो 80 ग्राम बचा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। क्लियर है? 20% कहने का मतलब कि 100 में 20, 10% कहने का मतलब कि 100 में 10, 2% कहने का मतलब कि 100 में 2। याद रखोगे अगर वी बाई वी होगा तो वॉल्यूम की बात कर रहा होगा और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होगा तो मास की बात कर रहा होगा, ग्राम होगा केजी होगा कुछ भी हो सकता है, और वॉल्यूम होगा तो लीटर मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अगर इस चीजों को आप समझते हो तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लोगे, आसानी से सोल्व कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट एक हम बात करने जा रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाय वी परसेंट। क्लियर है? जनरली ये देखोगे ड्रग्स के कंपोजिशन बताने में इसका उपयोग किया जाता है। ड्रग्स बोले तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 12 में ही हमको पढ़ना है ड्रग्स के बारे में, वहां पे देखेंगे ड्रग्स मतलब वो हीरोइन चरस गांजा मत समझ लेना सर। ड्रग्स का डिफिनेशन होता है जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज करे, और उसमें जो आप दवाई खाते हो भी ड्रग्स का ही है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका उपयोग खूब किया जाता है। फार्मास्यूटिकल बोले तो जो दवा वगैरह बनाते हैं, आपके घर में दवाई होगा तो दवाई जो होगा उसका कंपोजिशन देखिएगा, कंपोजिशन में आपको जनरली दिख जाएगा
W बाई W परसेंट, V बाई V परसेंट सिरप वगैरह में, और ये जो होगा ये कॉमनली दिख जाता है W बाई V परसेंट। सर इसका क्या है, W बाई V परसेंट कहने का मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है 100 ml उसको बनाने में कितना ग्राम सॉल्यूट का यूज किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे एक क्वेश्चन लिख लें हम लोग, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट W बाई वी परसेंट। देखो इसके लिए आपको पता है कि सर 300 ml जो है सॉल्यूशन उसमें कितना ग्राम है, 10 ग्राम ग्लूकोज। 300 ml जो सॉल्यूशन था उसमें कितना ग्राम ग्लूकोज था, 10 ग्राम, तो 100 में कितना होगा यही तो कैलकुलेट कर लेना है। हम लोग क्या करेंगे कि सर 300 ml जो था उसमें कितना ग्राम था सर, 10 ग्राम, तो 1 में क्या होगा, तो 10 ग्राम बाई 300 ml, और 100 में कितना होगा सर, तो 10 बाई 300, ऊपर में ग्राम होगा नीचे में ml होगा, इनटू 100 परसेंट। सॉल्व कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 10 बाई 3 दैट मीन्स 3.33 ग्राम पर ml। क्लियर, फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मास बाय W बाय V परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंट। सॉल्यूट का मास ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। क्लियर, वही तो किए हैं, देखो ना, सॉल्यूट का मास कितना ग्राम, 10 ग्राम, वॉल्यूम कितना था, 300 ml, और मल्टीप्लाई किससे किए थे, 100। चलिए पहला चीज। दूसरा चीज, क्या ये यूनिट होगा इसका, तो हाँ सर यूनिट होगा, क्योंकि ऊपर में सर ग्राम है और नीचे में क्या है, ml। ऊपर में ग्राम है नीचे में क्या है, ml, तो इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, ग्राम पर ml, जो डेंसिटी का यूनिट होता है, ग्राम पर ml, डेंसिटी का यूनिट और इसका यूनिट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, लेकिन डेंसिटी और इसमें थोड़ा फर्क है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और डेंसिटी, ये दोनों में फर्क है, याद रखना। यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्यूशन, और वहां पे हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, दोनों में छोटा सा फर्क है, ठीक है। अगर डेंसिटी निकालना होता तो यहां पे हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है, सेम। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा सर, हाँ सर करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है,
याद रखिएगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो W बाई वी परसेंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज कर, क्लियर है। जनरली देखोगे आज घर में जाना, जब भी ये लेक्चर देखना इसके बाद आप करना क्या कि घर में कहीं ना कहीं आपके यहां दवा का कोई ना कोई होगा, बोतल, खाली बोतल या दवा का, उसमें देखिएगा ये चीज यूज होंगे, W बाई W परसेंट, वी बाई वी परसेंट, W बाई वी परसेंट, जनरली ये यूज किए, ये तो खूब यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इसको खूब उपयोग में लाते हैं, क्लियर है। W बाई वी परसेंट कहने का मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घोला गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, W बाई वी परसेंट। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, कुछ जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा, ppm, ppm स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लिख दिए हैं, जनरली आप स्मॉल लेटर में देखोगे ppm, फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ppm, पार्ट पर मिलियन। देखो ये ppm क्या, मिलियन किसको कहते हैं आपको पता है ना, 10 लाख, 10 लाख, और 10 लाख बोले तो एक पर कितना जीरो, 6 जीरो, 6 ही है ना, 1 2 3, या इसी को कह सकते हैं 10 to the power कितना, 6। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं कि एकदम नाम मात्र का सॉल्यूट मिलाया गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले, आप लोग घर में नमक खाते हैं, नमक जो होता है देखे होंगे आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन का रोल आपको पता है, बायोलॉजी वाले लोग पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में भी थोड़ा मोड़ा देखना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, तो आयोडीन का रोल आपको पता है, मेंटल ग्रोथ, बच्चों में मेंटल ग्रोथ के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, तो क्या आयोडीन क्या बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो नहीं सर, आयोडीन बहुत कम मात्रा में हम लोग को चाहिए। जो आपके घर में नमक है, नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में मिला होता है, KI, पोटेशियम के साथ उसका सॉल्ट बना के मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में मिला होता है, और जो टाटा सॉल्ट देखोगे जनरली उसका जो होता है लिखा होगा उसमें कि आयोडीन कितना है, तो 14.8 के अराउंड, 14.83 ppm, 14.83 ppm। आपके घर में जो टाटा सॉल्ट है, जो नमक खाते हैं, उसमें देखोगे आप लिखा हुआ कि आयोडीन का कंसंट्रेशन कितना है, आयोडीन का अमाउंट कितना है, तो लिखा हुआ होगा 14.83 ppm। ठीक उसी प्रकार आप जब भी क्लास 11th में एक टॉपिक है पढ़ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वाटर के बारे में पढ़ाया गया होगा आपको, और वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है कि कब वाटर को वाटर पोल्यूटेड वाटर बोलेंगे,
तो उसमें आर्सेनिक का लेवल क्या होना चाहिए, लेड का लेवल क्या होना चाहिए, ये सब चीज है, देखिएगा आप बुक खोल के, वो सब डेटा आपको पीपीएम में दिए गए हैं कि इतना पीपीएम से अधिक आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, इतना पीपीएम से अधिक लेड नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये पीपीएम क्या है? पीपीएम जो है बहुत कम मात्रा में अगर सॉल्यूट कभी भी मिला हुआ हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पीपीएम यूज करते हैं। आप ये समझिएगा कि परसेंटेज में हम लोग 100 में कर रहे थे और यहां पे क्या करेंगे, 1,000,000 में करेंगे। आपके घर में जो 14.83 पीपीएम जो सॉल्ट में लिखा हुआ है आयोडीन, उसका मतलब है क्या कि अगर 10^6 केजी सॉल्ट है तो उसको बनाने के लिए मात्र उसमें 14.8 केजी पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया है। पीपीएम कहने का मतलब समझ में आया? कितना किलो में, फ्रैक्शन बोले तो एक में, परसेंटेज बोले तो 100 में, और पीपीएम बोले तो 1,000,000। मतलब 1,000,000 किलो नमक अगर बन रहा होगा तो उसमें मात्र कितना केजी होगा, 14.8 केजी। अब 1,000,000 मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा है। तो जब कभी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, पीपीएम। क्लियर है? आप ये याद रखिएगा कि 1,000,000 ग्राम या केजी भी ले सकते हो, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएम। पीपीएम के लिए अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कुछ ऐसा, कि फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। देखो फ्रैक्शन रहता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि बहुत ही कम है तो इसीलिए यहां पे मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 10^6। क्लियर? एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 ppm, क्या लिखा हुआ है, कहीं कंसंट्रेशन लिखने में लिखा हुआ है 10 ppm, तो 10 ppm लिखने का मतलब यह है कि सर 10^6 ग्राम में यह चीज कितना मिला हुआ है, 10 ग्राम। क्लियर है? 10^6 ग्राम जो है उसमें कितना मिला हुआ है, मात्र 10 ग्राम। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20 ppm, तो 20 ppm का मतलब क्या होगा, 10^6 ग्राम में कितना ग्राम है, 20 ग्राम। क्लियर? क्लियर है? अब देखो पीपीएम ऐसा नहीं है, इरेज करें इसको हम। अच्छा, इसका कोई यूनिट होगा क्या, पीपीएम का कोई यूनिट होगा? नहीं सर, ऊपर भी मास नीचे भी मास, इसका कोई यूनिट नहीं। अब देखो एक चीज और याद रखना कि पीपीएम जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास के टर्म में ही होता है। पीपीएम को हम लोग तीन ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तीनों ढंग से पीपीएम को दिखा सकते हैं। एक बार नंबर में, जैसे अगर हम कहे कि 1,000,000 चावल में 2 कंकड़ मिला हुआ है, 1,000,000 चावल में कितना कंकड़ मिला हुआ है, 2 कंकड़ मिला हुआ है, तो हम लोग कहेंगे, उसको लिख सकते हैं कि 2 ppm कंकड़ है, क्योंकि 1,000,000 जो चावल था पूरा, 1,000,000 हम लोग काउंट किए, पूरा चावल कंकड़ मिला के
उसे मात्र कितना कंकड़ मिला था, 2। वहां पे नंबर की बात हो जाएगी, ppm इन टर्म्स ऑफ नंबर। मास की बात अभी तुरंत बता रहे थे हम लोग, केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम में भी हम लोग इसको ले सकते हैं, ऊपर भी ml, नीचे भी ml, इंटू क्या चीज, 10 to the power 6। क्लियर है? तो ppm को तीन ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर, मास, वॉल्यूम। आज घर में जाइएगा आप जो भी नमक खाते होंगे, नमक में देखिएगा कि आयोडीन का कंसंट्रेशन ppm में लिखा होगा, उसको कैलकुलेट कीजिएगा कि आपके यहां 1 kg जो नमक है उसमें कितना ग्राम आयोडीन मिला हुआ है। दूसरा चीज, घर में जाके ये भी देखिएगा जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोरीन मिला होता है, फ्लोराइड, आप देखिएगा वो भी ppm में होता है, क्योंकि उससे अधिक अगर हुआ, जो इतना होता है कंसंट्रेशन, अगर उससे अधिक कोई मिला दिया तो पता चलेगा कि टीथ डीके हो जाएगा, दांत गिरने लगेगा। ठीक है, तो वहां पे भी जो कंसंट्रेशन होगा वो ppm में होगा। ये दोनों चीज प्लीज कीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा आपके यहां 100 ग्राम टूथपेस्ट का जो ट्यूब होगा उसमें कितना ग्राम फ्लोरीन मिला हुआ है, और नमक जो 1 kg का पैकेट है खरीदे हैं उसमें कितना ग्राम आयोडीन मिला हुआ है। दोनों ये टर्म आपको ppm में लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर है? दोनों मास के टर्म में होगा। हो सकता है आपका जो टूथपेस्ट होगा, कुछ टूथपेस्ट वाले वॉल्यूम के टर्म में भी लिखते हैं, तो मास में मिल जाएगा और वॉल्यूम नंबर भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? इससे भी छोटा हो जाए सर, एकदम नाम मात्र का हो, तब हम लोग एक और यूनिट यूज करते हैं, ppb, ppb, बिलियन, BILLION, पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर है? पार्ट्स पर मिलियन जब हम लोग देख रहे थे तो किस में हम लोग ले रहे थे, 1 million 10 lakh में। ठीक उसी तरह पार्ट्स पर बिलियन एकदम जब छोटा कोई क्वांटिटी हो उससे भी छोटा, जनरली न के बराबर आपको दिखेगा। ठीक है, जनरली न के बराबर आपको दिखेगा, लेकिन कभी कभी यह भी यूज होता है पार्ट्स पर बिलियन, कि अगर एकदम एक्सट्रीमली कम हो, कोई चीज एकदम कम हो, नाम मात्र का हो या नाम मात्र से भी कम, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ppb। क्लियर? चलिए, आज का समय तो यहीं पे खत्म हो गया करीब करीब। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे सो देखिए। हम लोग W/W परसेंट पढ़े हैं, V/V परसेंट पढ़े हैं, W/V परसेंट पढ़े हैं, मोलालिटी पढ़े हैं, मोलारिटी पढ़े हैं और मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं। मोल, इन सब को हम कंबाइंड करेंगे और कंबाइंडली कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर W/W परसेंट है उससे मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन जरूरत पड़े तो कैसे निकालेंगे, या कभी मोलालिटी दिया हुआ है तो उसे W/W परसेंट कैसे निकालेंगे, मोलारिटी दिया हुआ है तो W/W परसेंट कैसे निकालेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? और इसको करने के बाद फिर आगे हम लोग इस चैप्टर में सॉल्विलिटी वगैरह क्या क्या देखना है वो सब चीजों को देखेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। जब भी कभी कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। अभी तो कमेंट सेक्शन नहीं खोला गया है, ठीक है, लेकिन जब भी इसको खोल दिया जाए तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए प्लीज। चलिए, थैंक यू आप सबको।